कांग्रेस ने भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन अब न तो उनसे ये उगलते बन रहा है और ना ही निकलते। कांग्रेस के अच्छे कर्म नहीं है। पहले भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय मलेशिया में 2 घंटे का अवकाश दिया गया। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मालवीय नगर में गैमन इंडिया बिल्डिंग में स्थित भोपाल लोकसभा चुनाव कार्यालय में कही। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। राजधानी में लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ। बीजेपी ने तय किया वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य। इससे पहले उन्होंने कार्यालय का शुभारंभ किया और इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह व सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत पार्टी के अनेक नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भोपाल की जनता ने हिंदुत्व को बदनाम करने वाले को धूल चटाने का कार्य किया है। ये चुनाव 2047 के विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत भोपाल में बढ़ा है। 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव कार्य में जुट जाए। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।